हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ कल के सेशन में अमेरिका के बाजार में एक बहुत ही अच्छा सेशन हम सभी ने होता हुआ दिखा। इस अच्छे सेशन के बाद हमारे एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से भी कुछ अच्छे संकेत आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट पे, जो मैं आप सभी से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मुझे बहुत ही हाई लेवल का कंसोलिडेशन नजर आ रहा है इस मार्केट में। वॉलिटिलिटी हाई है लेकिन रेंज छोटी है। आप सभी ने कल के सेशन में देखा कि कैसे निफ्टी 15,500 पे इंट्राडे जाके 15,752 यानी 250 पॉइंट के नीचे से रिकवरी आप सभी ने देखी। एंड ऑलमोस्ट डे हाई के पास ही क्लोजिंग देखने को मिली आप सभी को मार्केट में। एंड डे हाई पे ही हम लोग क्लोज हो रहे थे, बट फर्क केवल इतना रह गया कि कहीं ना कहीं एडजस्ट होके निफ्टी नीचे आ गई 50-30 पॉइंट्स, अदरवाइज हम लोग हरे निशान के पास ही बंद हुए थे। ऐसे में अमेरिका के बाजार में बिल्कुल उल्टा होता हुआ दिखा, खुले नॉर्मल टू पॉजिटिव लेकिन उसके बाद बड़ी गिरावट एंड वहां से शार्प रिकवरी एट अराउंड 1% की तेजी के साथ बाजार बंद हुए। ये कंसोलिडेशन कब तक चलेगा? क्या नीचे की तरफ हमें ब्रेकडाउन मिलेगा या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा? एंड उससे भी बड़ी बात, स्टॉक स्पेसिफिक कौन से स्टॉक की तरफ जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से एंड ट्रेडिंग पर्पज से, ये सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ कवर करने वाला हूं। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी कोई क्वेरी हो किसी स्टॉक से रिलेटेड या फिर मार्केट से रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। अभी देखिए, अमेरिका के बाजार यानी डाउ जोन्स की बात कर रहा हूं, हुआ क्या, कल के सेशन में 30,487 का लो लगा एंड 31,097 पे क्लोजिंग मिली। नीचे से 600 पॉइंट्स की रिकवरी देखी आपने, 600 पॉइंट्स ऊपर बंद हुए, लगभग 2% होता है ये। एंड हम लोग केवल पॉजिटिव की बात करें तो 1% पॉजिटिव, यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1% नेगेटिव गए बाजार एंड वहां से 1% ऊपर, तो ये बहुत ही ज्यादा शानदार चीज है जो कि मार्केट में कल के सेशन में बाइंग पूरी स्क्रीन पे आई, जहां पे स्ट्रेंथ एंड बायर्स आए। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको अपनी एसजीएक्स निफ्टी का हाल बताऊं तो एसजीएक्स निफ्टी भी लगभग 100 पॉइंट्स की तेजी दिखाते हुए बंद हुए, लगभग 15,844 की तरफ। हमारे लिए बड़ा जो लेवल है ऊपर और नीचे की साइड, बड़ा लेवल ऊपर की साइड है 16,200 का, उससे पहले 15,950, 16 एंड 1650 तक हम लोग इजीली जा सकते हैं, ऐसा कोई बैरियर नहीं है। लेकिन 16,200 एक बैरियर के रूप में काम करेगा हमारे लिए, अगर उसके नीचे ऊपर निकले तो डायरेक्ट 16,500 तक हमारी जर्नी स्टार्ट है। बट मैं ये एक आपको लेवल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा जाने वाले। अब नीचे की तरफ आइए, नीचे की तरफ हमारे लिए 15,150 एक स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं नीचे का सपोर्ट है, उसके बाद 14,900 है, उसके बाद डायरेक्ट 14,500 है। तो ये जब तक 15,200 एंड छोटी रेंज बताऊं 15,200, 15,750, 800 इस रेंज में हम लोग ऑलमोस्ट एक वीक ऑलरेडी बिता चुके हैं। देखते हैं किधर कंसोलिडेशन का ब्रेक आउट होता है या फिर ब्रेक डाउन होता है, ये देखने वाली बात है। अब आप मेरे से पूछो किधर होगा, तो ये तो फिर तुक्का मारने वाली बात होगी कि मैं आपको बोल दूं, क्योंकि इस टाइम बायर्स एंड सेलर्स लड़ रहे हैं आपस में। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन जीतेगा, एंड आपको भी कैसे पता चलेगा कौन जीतेगा? एंड कोई अगर आपको बता रहा है दैट मींस वो आपको बेवकूफ बना रहा है, मार्केट को कोई जज नहीं कर सकता। इनकेस सबसे बड़े टाइम जब कंसोलिडेट हो रहा हो तब तो कभी नहीं। कंसोलिडेट का मतलब क्या है, जब बायर एंड सेलर कोई हार मानने को तैयार नहीं है, किसी को मौका दिख रहा है, किसी को गिरावट खत्म होती हुई दिख रही है लेकिन कोई कह रहा है गिरेगी गिरेगी एंड लड़ रहे हैं आपस में, तो कौन जीतेगा ये बिल्कुल किसी को नहीं पता। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल होता है मार्केट का, क्रूशियल टाइम होता है। कुछ एडीआर के बारे में बात करूं आप सभी के साथ, तो एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर लगभग 1% ऊपर बंद हुए कल के सेशन में। इन्फोसिस के एडीआर में 2% की तेजी है, ऑलमोस्ट 1.84%, एंड विप्रो के एडीआर में भी 1.9% यानी ऑलमोस्ट 2% की तेजी आप सभी ने देखी। दैट मींस मंडे का सेशन कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स के लिए एक अच्छा सेशन रह सकता है, ऐसा देखने को मिल रहा है। सेकंड थिंग, हमने लास्ट रिकवरी जो आई है मार्केट में फ्राइडे को, वो भी आईटी स्टॉक्स से ही आई थी, अदरवाइज रिलायंस ने तो ड्रैग कर ही दिया था मार्केट को। टाटा मोटर्स का एडीआर देखें तो ये भी 1.74% ऊपर है, तो काफी अच्छा देखने को मिल रहे हैं एडीआर की तरफ से, तो संकेत जो है वो अच्छे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो यहां से भी संकेत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसे में मैं आप सभी के साथ जो अमेरिका में बड़ा आईटी कंपनी, सबसे बड़ी आईटी कंपनी एसेंचर, उसकी बात करूं
तो 280 के 80 यूएसडी पे बंद होते हुए दिखा लगभग 1% की तेजी के साथ। अब मैं आपके साथ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक होने जा रहा हूं, मार्केट पे व्यू मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूं। अगर स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए तो कहीं ना कहीं स्टॉक इस टाइम मुझे आईटी स्टॉक्स अपने लेवल्स और वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत सस्ते दिख रहे हैं, तो वहां आप ध्यान रखें। जिनमें मेरी प्रेफर्ड पिक TCS, Infosys एंड SCL Tech होगी, Tech Mahindra भी काफी अच्छा है। अच्छा, अभी आपको एक चीज और बता दूं, ये जो अब स्टार्ट हुआ जुलाई का मंथ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहे हैं। 8th ऑफ जुलाई को आपके लिए मार्केट की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप एंड TCS आईटी की लार्जेस्ट कंपनी अपने रिजल्ट्स पेश करने वाली है, यानी 8 जुलाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है जहां आईटी स्टॉक्स पे एक अलग मोमेंटम बनेगा। अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो पूरा आईटी पैक कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिला सकता है, लेकिन दिक्कत हो गई तो फिर आपको नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब आप में कैसे आएंगे, कैसे रह सकते हैं, तो अनुमान अच्छा है लेकिन आउटलुक कैसा रहेगा इस पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसकी चिंताओं की वजह से कुछ आउटलुक में कटौती हो सकती है, तो यहां ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, अभी आपको बैंकिंग स्टॉक्स पे भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अच्छे लेवल्स पे आती हुई दिख रही है, यहाँ से 300-400 पॉइंट्स की तेजी बन सकती है, तो आपको वहां मेरी तरफ से ICICI बैंक पे ध्यान देना चाहिए। अभी मैं आपको कुछ ट्रेडिंग बैट्स बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट टाइम ट्रेडिंग बैट में आपके लिए अशोक लेलैंड शेयर करा था जो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव करके आया 142 पे, मैंने आपको दिया 147-145-6 तक गया स्टॉक, कहीं ना कहीं अच्छे लेवल्स आए वहां पे। अभी मैंने आप सभी के साथ SBI पे अपना व्यू शेयर करा था 460 पे, जहां मुझे लग रहा है अभी वो तेजी बन सकती है हमारा अराउंड 480 रुपीज तक की स्टॉक में, तो वहां पे ध्यान रखें। एंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक स्टॉक जो आप सभी को मैं देने जा रहा हूं इस टाइम, वो एक चर्चाओं का विषय बना हुआ है इस टाइम, लाइक USFDA से कहीं ना कहीं मंजूरी एंड उसी के बीच में अटका हुआ है लूपिन, तो इस पे भी ध्यान रखिए। ये ट्रेडिंग बैट है, इनमें आप ऐसे जरूर रखिएगा, अदरवाइज इन्हें इग्नोर करने की भी कोशिश कर सकते हैं। आप इस टाइम में मार्केट में पोर्टफोलियो को बिल्ड करने की कोशिश करें, मेरे हिसाब से गिरावट में ऐड करें, स्टैगर्ड वे में खरीदें, एक साथ ना खरीदें। तो ये मेरा पूरा व्यू है स्टॉक मार्केट को लेकर, एंड मंडे के लिए संकेत अच्छे आ रहे हैं, ऐप ओपनिंग मिल सकती है हम लोगों को। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।